हे दोस्तों, ये यूनिवर्स कई रहस्य से भरा पड़ा है। इस ब्रह्मांड की बहुत अनजान जानकारी को पाना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे नया अपडेट्स आपके पास तुरंत आए। आप लोगों को पता है, साइंटिस्ट लगातार यूनिवर्स के बारे में पता करने की कोशिश में लगे हैं। ब्रह्मांड की हर तरह के रहस्यों को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं और ब्रह्मांड की हर तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट को भी भेजते हैं। और इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग बहुत कुछ जान पाए हैं। पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिरामिड की ऐसी कुछ अनसॉल्व मिस्टीरियस सीक्रेट को लेकर जो आज तक साइंस सॉल्व नहीं कर पाया। पिरामिड आज से लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। पिरामिड को लेकर आज ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसका आंसर साइंस के पास भी नहीं है। पिरामिड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत रिसर्च किया गया था, बट वो रहस्य सॉल्व करने से और भी रहस्यमयी बन जाता है। दुनिया के 8वां अजूबों में से एक है खुफू के पिरामिड। अभी तक की शोध के मुताबिक इसके अंदर 3 चैम्बर्स मिले हैं, बट साइंटिस्ट और एक चैम्बर्स की खोज की है। पिरामिड के अंदर जो 3 चैम्बर्स को खोजा गया था उनमें से एक जो क्वींस चैम्बर के नाम से जाना जाता है, वहाँ ना कोई कब्र थी और ना ही कोई डेड बॉडी मिली। ये छोटा सा रूम एकदम से खाली थी, बट इस छोटा सा रूम में बहुत मिस्टीरियस सीक्रेट छिपा था। इस रूम की उत्तर और दक्षिण दिशा की दीवार में 2 होल है। सन 1872 में एक ब्रिटिश इंजीनियर विमेन डिक्सन जब फर्स्ट क्वींस चैम्बर में रिसर्च के लिए आए थे, तब उन्होंने चैम्बर्स की दीवार में कोई होल नहीं पाए थे। बट जब विमेन डिक्सन किंग्स चैम्बर में गया, तब उन्होंने उस चैम्बर की उत्तर और दक्षिण दिशा की दीवार में 2 होल को पाया। तब वो सोचने लगे कि अगर किंग्स चैम्बर में ये 2 होल्स है तो ज़रूर क्वींस चैम्बर में भी ये 2 होल्स होना चाहिए। एक इंजीनियर होने के नाते विमेन डिक्सन मेजरमेंट करने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने पहले किंग्स चैम्बर की छत से लेकर दीवार में बने उस होल तक की हाइट को मापते हैं और बाद में नीचे से होल तक की हाइट को मापते हैं। इस तरह से उन्होंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मेजरमेंट करते हैं। उन्होंने क्वींस चैम्बर की उत्तर और दक्षिण दिशा की दीवार में ठीक वही माप बनाया और वहां पर मार्क किया, और बाद में उसे पता चला कि उसके पीछे भी खाली जगह है, यानी वहां पर भी होल है। और उन्होंने जो डाउट किया था वही सच निकला कि क्वींस चैम्बर की दीवार में भी होल बनाया गया था। किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर की होल की साइज सेम ही थी और उन्होंने सोचा था कि होल के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर क्या है इसके लिए रिसर्च शुरू कर दिया, बट उस समय उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके द्वारा वो रिसर्च कर सके। उसके बाद उन्होंने लोहे के एक रॉड से मापने की कोशिश किया था कि ये होल कितना बड़ा है, बट उस समय उन्होंने ये भी नहीं पता कर पाया कि ये होल कितना डीप है। बट उन्होंने उत्तर दिशा की दीवार की होल में 3 चीज़ें पाए थे, एक छोटा सा ब्रोंज झुक, एक ग्रेनाइट बॉल और एक छोटा सा लकड़ी के टुकड़े। बट कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उसको रिसर्च वहीं पर बंद करना पड़ा। और जो 3 चीज़ें उन्होंने खोजा था उनमें से लकड़ी के जो टुकड़े था वो कहीं खो गया था और बाकी 2 चीज़ें ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। बट हम लोगों को पता है कि वर्तमान काल में भी रिसर्चर्स एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पिरामिड में रिसर्च कर रहे हैं और बहुत चीज़ों की खोज किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको मिस्टीरियस बातें अच्छा लगता है जैसे यूनिवर्स के बारे में और पिरामिड के बारे में वैसे बातें जानने का आप शौकीन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।